आपका जो मीट होता है, रॉ मीट एंड प्लस उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग आ जाती है. सो इन दैट प्रोसेसिंग द मेजर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट हाउ यू एक्चुअली स्टोर योर फूड प्रोडक्ट्स, राइट? ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द मीट उसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी सीन इन द पोस्ट मॉडर्न चेंजेस कि जब आप किसी एनिमल को स्लॉटर करते हो फॉर द मीट प्रोडक्ट्स और फॉर द कंजप्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें क्या नहीं होने चाहिए, किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होने चाहिए. चेंजेस इन द सेंस, अगर उसके मसल आर्किटेक्चर में चेंज आ रहा है, इन द प्रोटीन आर्किटेक्चर में चेंज आ रहा है, सो दैट चेंज कैन अफेक्ट योर फूड ऑल्सो, राइट? एंड हाउ दैट चेंज कैन अफेक्ट, बिकॉज ड्यूरिंग द स्लॉटरिंग इमीडिएटली क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, रिगर मोर्टिस प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. सो ड्यूरिंग द मेकिंग और प्रोसेसिंग ऑफ योर मीट प्रोडक्ट्स और ड्यूरिंग द स्लॉटरिंग ये ध्यान रखा जाता है कि आपका जो मीट प्रोडक्ट है उसमें रिगर मोर्टिस जनरेट ना हो. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इमीडिएटली आपके जो मीट स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया जाता है, राइट? अब हम बात करेंगे ओनली द स्टोरेज ऑफ योर मीट प्रोडक्ट्स इन द लो टेम्परेचर. इन डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ टेम्परेचर्स पे आपके मीट प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. एंड नॉट ओनली योर मीट प्रोडक्ट्स, जो आपके सी फूड्स होते हैं, इवन योर वेजिटेबल्स होती हैं एंड फ्रूट्स होते हैं, उनको भी लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है. एंड वट इज द पर्पस ऑफ दैट, टू डू द फूड प्रिजर्वेशन सो दैट योर फूड कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्गर टाइम. So, as like other techniques, for example, pasteurization, which is a thermal technique, like controlling water, dehydration process, then chemicals using the different preservatives, your chilling process and your freezing process or other type of cold related processes are also a food preservative technique. So, ये आपको ध्यान रखना है, इस basis पे questions आ सकते हैं. तो आपकी जो cold techniques होती हैं, जितने भी low temperature पे food को store किया जाता है, that technique is your food preservation technique, right? अब हम discuss करेंगे आज किसके बारे में, cold processing के बारे में, because we already know about the thermal, we had already discussed about it. Chemicals, we already know about them also. Dehydration, we will also talk about this one also. Right? So, how the cold processing is done during the preservation of your food materials. So, first of all, you should know about the purpose of your food preservation. Why you want to control the temperature of your food materials. So, isme purpose aa jata hai. Number one, you want to slow down the growth of microbes, right? Or with this one also, the enzyme activity also, right? This is the first purpose. Second purpose is to slow down the post-harvest, to slow down the post-harvest or post-slaughter metabolic activities. Metabolic activities. That also we know, क्योंकि during the post harvest आपकी जो respiration activities जो होती हैं वो enhance हो जाती हैं. After post slaughter आपकी जो tissue degrade होने की जो activities होती हैं, metabolic activities, वो enhance हो जाती हैं. So by using the cold temperature treatments we actually slow down these processes. Then third इसमें purpose आता है to decrease the or slow down the प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन. आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, या फिर वो इजीली क्या ना हो, डैमेज ना हो, उसको इंक्रीज करने के लिए, डिटोरिएशन उसका जो टाइमिंग होती है उसको कम करने के लिए आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं. एंड दिस डिटोरिएशन, द डैमेज टू द फूड मटीरियल्स, इट कुड बी बाई द केमिकल मेथड्स, राइट? और इट कुड बी बाय द बायोकेमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में आपका कौन सा आ जाता है, वेरी फेमस, विच इज कॉल्ड मेलार्ड रिएक्शन, जिसमें आपकी फूड ब्राउनिंग होना स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है आपके फूड मटेरियल्स में. देन बायोकेमिकल रिएक्शंस में आपकी आती है ग्लाइकोलिसिस, इंक्रीज हो जाती है ग्लाइकोलिसिस, मेटाबॉलिक पाथवेज
जो प्रोटियोलिसिस पाथवे होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको स्लो करने की जरूरत होती है। देन आपकी जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, फूड ब्राउनिंग, उसको भी स्लो डाउन करने की जरूरत होती है। एंड जो आपकी लाइपोलिसिस होती है उसको भी स्लो डाउन करने की जरूरत होती है, सो दैट आपका जो फूड है वो कैसा रहेगा, फ्रेश रहेगा, राइट? सो टू डिक्रीज द डिटोरेशन ऑफ योर फूड मटेरियल्स विच कुड बी बाय द केमिकल और बाय द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, उसके लिए आप क्या करते हो, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट फूड को प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट इसमें आपका पर्पस आ जाता है फोर्थ वन, विच इज टू डिक्रीज द मॉइस्चर लॉस, टू डिक्रीज द मॉइस्चर लॉस। ये हमने देखा है कि फॉर सम फूड्स आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। इफ दे लूज द मॉइस्चर तो उसमें क्या हो जाती है, ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है एंड आपके जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वी डोंट वॉन्ट, वी वॉन्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर। सो टू डिक्रीज द मॉइस्चर लॉस इन योर फूड मटीरियल्स, अगेन यू यूज द लो टेम्परेचर कोल्ड ट्रीटमेंट्स, राइट? अदर देन दिस यू ऑल्सो use the cold treatments to decrease the physical changes in your food materials, physical changes in food materials, because obviously agar aap apne food ko properly store nahi karoge to uski coloring hona, color change hona start ho jata hai, uski jo outer coverings hoti hai food materials ki wo degrade hona start ho jati hai, then aapke jo pathogenic microbes hain wo wahan pe grow karna start kar jate hain, so that is also one of the reason ki aapko kya karna hai, apne food materials ki shelf life ko increase karna hai to usko cold treatment dena padega। सिक्स्थ इसमें पर्पस आ जाता है विच इज टू कीप द फूड फ्रेश, कीप द फूड फ्रेश, राइट? तो उनको फ्रेशली आपके फूड जो है एज इट इज रहने चाहिए, फ्रेश रहने चाहिए, देर शुड नॉट बी एनी मॉइस्चर लॉस, देर शुड नॉट बी एनी डैमेज, और उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट से, एंड आफ्टर द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपका जो फूड रहेगा, फूड स्टफ जो आपके रहेंगे, जो भी आप उनको टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हो वो कैसे रहेंगे, एज इट इज इन फ्रेश रहेंगे फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम के लिए आप अपने फूड को क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, राइट? सो दिस वे दीज आर द पर्पस ऑफ योर कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। नाउ योर कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, जो आपकी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स होते हैं दैट इज ऑफ टू टाइप। क्या हो रहा है इसको, ओके? सो नंबर वन टेक्निक इज कॉल्ड चिलिंग, नंबर वन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड चिलिंग, राइट? सो दिस इज चिलिंग, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट इन व्हाट वे, इन द टेम्परेचर वेरिएशन वे, इनका जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल इन योर चिलिंग इट हैज सम प्रॉपर्टीज, नंबर वन इट एक्चुअली कैन नॉट इनहांस द फूड क्वालिटी, जो आपकी चिलिंग स्टोरेज होती है दैट डज नॉट इनहांस द फूड क्वालिटी, बल्कि आपके फूड को एज इट इज रखती है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से फूड लेकर आए, आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, सो जिस कंडीशन में आप अपने फूड को बाय करके लाए होंगे तो आफ्टर द स्टोरेज वो उसी कंडीशन में क्या रहेगा, वहां पे प्रेजेंट रहेगा। सो वहां पे किसी भी टाइप की फूड क्वालिटी एनहांसमेंट नहीं होगी। सेकेंड, बाय दिस प्रोसेस, जो आपकी चिलिंग प्रोसेस होती है इसमें जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को आप क्या करते हो, उनकी ग्रोथ को आप स्लो डाउन करते हो, माइक्रोब्स ग्रोथ यहाँ पे स्लो डाउन होती है। बट ध्यान रखना है इसमें आपके माइक्रोब्स किल नहीं होते हैं, नो किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स, ओनली उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन होती है, राइट? सेकेंड इसमें आ जाता है कि जो आपकी चिलिंग प्रोसेस होती है इट नीड सम वेरिएशंस, वेरिएशंस इन इट नीड सम कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर प्रिजर्वेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल आप अपने साथ चिलिंग के साथ साथ आप क्या करोगे, पास्चराइजेशन जो थर्मल प्रोसेस है उसको भी यूज करोगे, या फिर आप किसी टाइप का केमिकल है उसको ऐड करोगे एंड देन यू विल प्रोसीड इट फॉर द चिलिंग प्रोसेस,
राइट, तो इस वे में आप अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में क्या कर सकते हो, चिलिंग को यूज कर सकते हो फॉर द फूड प्रिजर्वेशन. तो ये भी एक मेथड है, चिलिंग को आप अलग भी यूज कर सकते हो और यू कैन यूज इट इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिजर्वेटिव मेथड्स. नेक्स्ट इसमें आ जाता है दिस वन, द चिलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो यूज फॉर द नॉन प्रिजर्वेटिव पर्पसेस. इसको वैसे भी यूज किया जाता है जो आपके, फॉर एग्जाम्पल, नॉन प्रिजर्वेटिव मेथड्स कौन से होते हैं, जिसमें आप जो फूड स्टफ लेकर आ रहे हो आपको उसमें किसी भी टाइप का प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट. और आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन प्रिजर्वेटिव आपके मेथड्स होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं जो आप एजिंग करवाते हो फूड की, एजिंग ऑफ फूड. और फूड में एजिंग कहाँ कहाँ होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एजिंग की जाती है. सेकेंड, आपकी जो वाइन इंडस्ट्री होती है उसमें आप चिलिंग टेम्परेचर यूज करते हो फॉर द एजिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाइन इंडस्ट्री. देन इसमें नेक्स्ट आ जाता है आप चीज की एजिंग करते हो, सो ड्यूरिंग दैट पर्पस ऑल्सो आप क्या यूज करते हो, चिलिंग प्रोसेस को यूज करते हो, राइट. नेक्स्ट आपका जो कटिंग ऑफ मीट होती है, जितनी भी आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग होती है वो ऑलमोस्ट किस टेम्परेचर में होती है, चिलिंग टेम्परेचर में होती है. जितने भी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल को प्रोसेस किया जाता है आफ्टर द हार्वेस्ट, उनको हमेशा लो टेम्परेचर पे किया जाता है, विच इज अ चिलिंग टेम्परेचर. एंड ये चीज ध्यान रखना, चिलिंग टेम्परेचर इज एक्चुअली नॉट द स्नो टाइप टेम्परेचर, विच मीन्स इसमें आपकी आइस फॉर्मेशन नहीं होती है. इन द चिलिंग टेम्परेचर देयर इज नो आइस फॉर्मेशन, इट इज अ सिंपल कोल्ड ट्रीटमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका जो 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है उसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड एक और टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है विच इज कॉल्ड प्री कूलिंग, विच इज कॉल्ड प्री कूलिंग, विच मीन्स बिफोर द प्रोसेस प्रोसेसिंग ऑफ योर फूड मटेरियल आप उसको क्या करते हो, प्री कूल करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वेजिटेबल्स जो है उनको क्या किया, हार्वेस्ट किया फार्म से एंड देन इमिडिएटली उनको स्टोर कर दिया अपने प्री कूल्ड कंटेनर्स में. एंड दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली नंबर वन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ योर फूड्स. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्री कूलिंग टेम्परेचर दिया जाता है, राइट. एंड नेक्स्ट, ये जो प्री कूलिंग टेम्परेचर है दिस इज मोस्टली गिवन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो अपने फूड मटेरियल को या फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हो उस टाइम पे ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्री कूल किया जाता है. डायरेक्टली उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, पहले उसको ऑप्टिमम प्री कूल किया जाता है, देन धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है इमिडिएटली वो क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, राइट. तो इसमें मोस्टली जो आपका प्री कूलिंग टेम्परेचर है वो कौन कौन से फूड स्टफ को दिया जाता है, इसमें आपकी मोस्टली वेजिटेबल्स आ जाती हैं. वेजिटेबल्स लाइक योर ब्रोकोली, उनको प्री कूल किया जाता है. देन आपकी आ जाती है कॉलीफ्लावर, उसको भी प्री कूल किया जाता है. स्वीट कॉर्न आ गए आपके, दोज ऑल्सो गेट्स प्री कूल बिफोर द प्रोसेस. ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स जैसे स्पिनेच हो गया, ब्रूसल स्प्राउट्स हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट्स होगी, रेडिश होगी, इन सबको क्या किया जाता है, प्री कूल किया जाता है बिफोर द प्रोसेसिंग, राइट. एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑल्सो इनको प्री कूल किया जाता है. तो बट जो आपकी प्री कूलिंग होती है, इफ यू वॉन्ट टू राइप योर फूड स्टफ, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रूट्स होते हैं उनको राइपनिंग स्टेज से जाना पड़ता है, देन यू वॉन्ट गो फॉर द प्री कूलिंग. तब आप प्री कूलिंग नहीं करोगे, बिकॉज अगर आपने प्री कूल कर दिया तो आपकी जो राइपनिंग प्रोसेस होती है वो वहां पे क्या हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है. तो अगर आपको राइपनिंग प्रोसेस के लिए प्रोसीड करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट अ मैंगो विच शुड बी राइपन्ड, आपको उसमें अनराइप मैंगो की जरूरत नहीं है, यू डोंट वॉन्ट दैट, you want ripened mango, so in that case you will not pre-cool it, you will not store it at lower temperature, you will leave it at its optimum temperature which is good for its ripening, right. so in that case aapko low temperature treatment dene ki zarurat nahi hoti hai. next ab hum thode se difference dekh lete hain, what are the difference in your chilling and in the freezing. for example you can see these all are different type of the चिलिंग इन्वायरमेंट्स. ये आपके आपने फूड मार्केट्स में भी देखा होगा, जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो वहां पे हमेशा जो इन्वायरमेंट रहता है
आपका जो टेम्परेचर रहता है वो लो रहता है. सो दैट इज नॉट फॉर द कस्टमर्स, दैट इज फॉर द फूड मटेरियल्स विच आर देयर. सो दैट वो आपके फूड मटेरियल्स वहां पे क्या रहे, फ्रेश रहे. तो उसके लिए वो उनको हमेशा लो टेम्परेचर पे दिया जाता है. जो मोस्टली टेम्परेचर होता है दैट इज योर चिलिंग टेम्परेचर, राइट. और इसके लिए आपने देखा होगा स्पेशली भी आपके बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं जो आपकी चिलिंग टेम्परेचर की वेरिएशंस होती है उसको ध्यान में रख के आपके फूड मटेरियल्स को उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोड्यूस करवाया जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चिलिंग एंड द फ्रीजिंग? तो इसमें नंबर वन आपकी आ जाती है आइस फॉर्मेशन. सो इन योर चिलिंग प्रोसेस आइस फॉर्मेशन नहीं होती है, बट इन योर फ्रीजिंग प्रोसेस आइस फॉर्मेशन बनती है, आइस क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. नेक्स्ट इसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस वन व्हाट हैपेंस, आपकी जो चिलिंग प्रोसेस होती है दे ओनली रिड्यूस द ग्रोथ, बट आपके जो माइक्रोब्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, दे वॉन्ट बी किल्ड ड्यूरिंग द चिलिंग प्रोसेस. बट इन द फ्रीजिंग आपके 10% और 60% माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल्स, राइट. नेक्स्ट इसमें आ जाती है न्यूट्रिशनल वैल्यू. सो आपका चिलिंग प्रोसेस जो होती है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिड्यूस करती है विद द स्टोरेज टाइम. जितने ज्यादा टाइम के लिए आप फूड को स्टोर करोगे इन द चिलिंग एनवायरनमेंट, उतनी ज्यादा ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जाएगी, राइट. बट इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर में आपके जो मोस्टली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में वो एज इट इज सेम कंडीशन में क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, राइट. सो दैट अगर आप उसको काफी लंबे टाइम बाद भी निकाल रहे हो तो वो आपको सेम ही कंडीशंस में मिलेंगे, उनमें किसी टाइप का चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट आपका आता है पोर्शन. सो इन द चिलिंग प्रोसेस आप हमेशा स्मॉल पोर्शंस के लॉट को ही बाहर निकालते हो, और इन फ्रीजिंग प्रोसेस में आप हमेशा बल्क में जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हो. सो प्रॉपरली फूड स्टोरेज के लिए फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप कौन से टेक्निक यूज करते हो, फ्रीजिंग टेक्निक यूज करते हो. एंड इसमें आप शेल्फ लाइफ कितनी इंक्रीज कर सकते हो, इसमें आप सिर्फ लेस देन वन मंथ जो होता है आपका शॉर्ट पीरियड के लिए आप चिलिंग फूड स्टफ जो होते हैं उनको आपको यूटिलाइज करना होता है, वेयर एज इन द फ्रीजिंग एनवायरमेंट यू कैन स्टोर द फूड लॉन्गर देन 6 मंथ. आप 6 मंथ से ज्यादा उसको स्टोर करके रख सकते हो. नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर वेरिएशन फॉर योर चिलिंग, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें हमेशा 4 to 10 degrees centigrade टेम्परेचर वेरिएशन होती है. सो दैट इज योर चिलिंग इन्वायरमेंट. वेयर एज इन योर फ्रीजिंग वन, जो आपका अपर वन पोर्शन होता है इन द फ्रीजर्स जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें हमेशा माइनस टेम्परेचर रहता है, एंड दैट इज -9 degree to -12 degree centigrade. सो दिस विल रीच यू द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, राइट. तो इसमें जो फ्रीजिंग का टेम्परेचर होता है दैट इज मच मोर लेस एज कम्पेयर टू द चिलिंग एनवायरमेंट. तो ये आपको ध्यान रखना है. टेम्परेचर वेरिएशन पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड आइस फॉर्मेशन बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ चिलिंग.